सो माय डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अलीगढ़ टेक पर फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बेसिकली आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एमयू के क्लास फर्स्ट 6 और 9th क्लास के एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बारे में कि आपका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है और आपकी जो है कितनी कट ऑफ रहेगी। तो आप जो है देख सकते हैं, आपको सबसे पहले एमयू की वेबसाइट पर आ जाना और एमयू की वेबसाइट पर आने के बाद आपको स्कूल का सेक्शन मिल जाएगा। आपको इसको जो है क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको स्कूल एडमिशन पर क्लिक कर देना है। स्कूल एडमिशन पर क्लिक कर देने के बाद आपको जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस टाइप का आपको जो इंटरफेस दिखाई देगा। इंटरफेस दिखाई देने के बाद आप देख सकते हैं कि जो आपने आंसर की पर क्लेम किया था उसमें क्लास 6 और क्लास 9 की जो है आंसर की क्लेम होने के बाद आ चुकी है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर क्लास 6 को हम ओपन कर लेते हैं पहले। और ओपन कर लेने के बाद आपको कुछ इस तरीके का पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इसमें आपका जो है 3 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं जो कि पहले आंसर की में गलत थे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11, 22 एंड 72 क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। और जो है पहले आंसर की में क्वेश्चन नंबर 70 और 76 में आंसर बी और ए डिस्प्ले हो रहा था, लेकिन वो करेक्ट आंसर नहीं था। करेक्ट आंसर ये है। तो आप अपनी आंसर कीज मैच कर लीजिएगा। वहीं अगर क्लास 9th की बात करें तो क्लास 9th में जो है आपके कितने क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं तो हम देख लेते हैं। तो ये पीडीएफ हमारा डाउनलोड हो चुका है और हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16, 25, 47, 68 और 75 क्वेश्चन को जो है डिलीट किया गया है। तो और जो है ओवरऑल यहाँ पर यहाँ 5 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपके क्वेश्चन ये जो डिलीट हो चुके हैं। अब आपकी कट ऑफ जो है फाइनल कितने नंबर्स में से बनने वाली है तो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, क्लास 9th की फाइनल कट ऑफ जो बनने वाली है वो 78 नंबर्स में से बनने वाली है। तो दोस्तों, अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि आपका कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो आप अगर 6th क्लास में हैं या 9th क्लास का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, अगर 6th क्लास का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं या 9th का दिए हैं, तो आपकी अगर मार्क्स 65 से लेकर 75 के बीच में आ रहे हैं तो आपके चांसेस है कि आपका जो है सेलेक्टेड लिस्ट में या इंटरव्यू के लिए आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके 60 तक आ रहे हैं तो आप उम्मीद लगा सकते हैं। अगर आपके 60 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप उम्मीद लगाना छोड़ दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट के जो हैं 60 से लेके जो है 70 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं। तो कट ऑफ कहीं ना कहीं इस बार 65 के आसपास ही रहने वाला है। अराउंड 1-2 नंबर ऊपर भी हो सकते हैं या नीचे भी हो सकते हैं। अगर आपके 60 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप जो है इस उम्मीद में मत रहिए कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं अराउंड 65 के अराउंड आ रहे हैं तो आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन की तैयारी कर दीजिए। इंटरव्यू के टॉपिक्स क्या क्या रहते हैं और किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा रहता है इंटरव्यू में, किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, हमारा एक ऑनगोइंग बैच चल रहा है, आप उस पर आकर देख सकते हैं। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल सी फ़ीस है, सिर्फ ओनली 200 रुपीज़ में हम इंटरव्यू की तैयारी करा रहे हैं। तो हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों, मोस्ट प्रोबेबल चांस है, हम सिर्फ आपको एक्सपेक्टेड डेट बता रहे हैं कि आपकी जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब आएगा। देखिए, अभी बहुत सी फैकल्टीज़ और बहुत से कोर्सेज ऐसे हैं जिनका एंट्रेंस एग्ज़ाम आपके यानी कि स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम से पहले हुआ था, लेकिन उन लोगों का अभी तक रिज़ल्ट ही नहीं आ पाया है। आप मान के चलिए कि आपका रिज़ल्ट जो है 15 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के आसपास आएगा, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए, तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो। वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई भी सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा। साथ के साथ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।